सलमान ढाबे के चौराहे पर बैठा हूँ। आप जानते हैं मेरे साथ नवीन खान साहब बैठे हैं, कांग्रेस परिवार के सारे लोग बैठे हैं। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, भाई मदद करना, भाई वोट करना। हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, हमें हम यूनिवर्सिटी के दिनों में इसी राजा पार्क में घुमा करते थे। जयपुर के बेटे हैं हम लोग, यहीं पर हम सबका टाइम निकला है। मैं आप सब लोगों के बीच में जब बैठा हूँ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब आप वोट करने जाएं, प्लीज कांग्रेस और बीजेपी का निशान जब आप देखें, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कैंडिडेट का नाम जरूर लें। काम पार्टियों का निशान नहीं करेगा। जब जब कोई पार्टी फेल होती है, सरकार धोखा करती है, तब उस पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के लोग ही आवाज दे रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी का निशान देखिए, कैंडिडेट मत देखिए। भाई साहब, मुझे आप एक बात बता दो, पिछले 3 महीने पहले आपने विधानसभा के चुनाव में निशान देखकर वोट दे दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हेलीकॉप्टर धुआं फेंकने लग गया, सिर्फ हेलीकॉप्टर में ऊपर ही ऊपर घूम रहे, नीचे नहीं उतरे। यदि एक पैसे का भी टेंडर हुआ हो, मैं ये मिस्टर रफीक खान साहब एमएलए बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में कह रहा हूं, तो मैं नाम विड्रॉ कर लूंगा कांग्रेस के इस चुनाव से, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। जिस मुख्यमंत्री ने, जयपुर के 6 एमएलए ने, आप मुझे ये बताइए, जिन 6 एमएलए ने एक टेंडर नहीं करवा पाए, अभी भी मैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, काम वही चल रहा है जो कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय हमारे विधायक जी ने शुरू करवाया। आप काम वही चल रहा है, लोगों को भी पता है। 3 महीने में जो सरकार 3 पैसे का काम नहीं कर पाई, बीजेपी की सरकार, आप क्या उम्मीद करते हैं वो सरकार कोई काम कर देगी? अब मेरी विनती है, हम तो हमेशा लोगों की आवाज बनकर उनकी आवाज को जिंदा करने के लिए लड़े। आज हम चाहते हैं हमारी आवाज जिंदा रहे। केजरीवाल जी बंद हो गए, मनीष सिसोदिया बंद है, संजय सिंह बंद है, और आप जानते हैं हेमंत सोरेन बंद है। आजादी के इतिहास में 76 वर्षों में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले पर आज मैंने बयान देखा प्रधानमंत्री, मुझे आश्चर्य है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले पर हिसाब नहीं देते थे, बड़ी बात कह रहा हूं, ये आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले पर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सरकार हिसाब नहीं दे रही थी। चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि आप किन किन लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा मिला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हिसाब होगा, कैसे होगा भाई साहब, आपसे हिसाब तो एसबीआई से चीफ जस्टिस मांग रहे, आप उनको नहीं दे रहे, और पीएम रिलीफ फंड में जो पैसा जमा उसका हिसाब तो वो भी नहीं ले पाए चीफ जस्टिस भी। ये जो अखबारों में अब इतने बड़े नेता यदि झूठ बोल रहे हैं, आप तो पाप की प्रकाष्ठा है। अडानी घोटाला हुआ, नौजवान के पैसे डूबे शेयर में, उसको केंद्र की बीजेपी की सरकार ने खड़ा कर दिया। विजय माल्या, मोहेल चौकसी, नीरव मोदी भाग गए, और आज बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, आप मुझे बताइए 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बीएसएनएल काम करता था, सबसे बड़ी कंपनी थी फोन की, वो बीएसएनएल तब भी 3G था और आज भी बीएसएनएल 3G है। आप मुझे ये बताइए, बीएसएनएल आज भी 3G है और जियो 5G हो गया इसलिए क्योंकि बीएसएनएल के 80,000 टावर बीजेपी की सरकार ने जियो को दे दिए, बीएसएनएल के 80,000 टावर, उनका किराया जियो कंपनी ले रही है। रेलवे में, ये रेलवे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे में सीनियर सिटीजन को कांग्रेस की सरकार कंसेशन देती थी, वो कांग्रेस की सरकार का कंसेशन बंद हो गया है रेलवे में। नोटबंदी की बात ही नहीं कर रहे इस इलेक्शन में, आप बताओ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नोटबंदी फेल हो गई, 15 लाख अच्छे दिन मिले ही नहीं, रोजगार मिला ही नहीं, हालात बहुत खराब है। तो आप बताइए, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, आज अब इस देश में यदि ये लोग नहीं हारे तो हम जानते हैं कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल देंगे, मार देंगे, लेकिन अब वक्त आया है जब आपको कांग्रेस को वोट करना चाहिए। आपसे मेरी विनती है, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, हमारा 25 लाख तक का इलाज तो बंद कर दिया है इन्होंने, जो कांग्रेस ने फ्री इलाज शुरू किया था 25 लाख तक, अब ये 100 यूनिट बिजली खत्म करेंगे। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, वो 15% जो बढ़ी है ये बीजेपी वाले, वो हमने कानून बना दिया, हर वर्ष 15% बढ़ेगी। राजस्थान में एक भी काम इनका नहीं, और जयपुर में कोई संघर्ष इनका नहीं है, बीजेपी किसी को भी लाती है कहती है आप इसको वोट दे दो।
जयपुर में मैं देख रहा हूं हम लोगों की स्थिति, हमारे से दो विधायक है रफीक भाई और अमित भाई, और हम 6 सीटें हार गए, हमारी स्थिति वोटिंग में कमजोर हुई। और इस कमजोर स्थिति में जो हमारे साथ आएगा उसके लिए जान हाजिर है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, हनुमान ढाबा चौराहे से, कि आप प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, बचाओ हमें, मदद करो हमें, वोट करो, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान का बटन दबाकर हमें मदद करो।